माफ़ी चाहता हूं मैं आज आपकी क्लास थोड़ी सी डिले हो गई ड्यू टू तो टेक्निकल इश्यूज यहां लाइट का प्रॉब्लम चल रहा था सो नाउ वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस एवरीथिंग इज ओके लेट अस स्टार्ट आर क्लास टुडे दोस्तों जैसा कि कल मैंने आपको बोला था आज से मैं आपकी क्लास रेगुलरली स्टार्ट करूंगा और मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड कॉम्प्रिहेंडिंग पैसेजेस साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड इन सब सब्जेक्ट्स की आपको uh, जो भी डिफिकल्टीज हैं वो इन क्लास के क्लासेस के साथ दूर हो जाएंगे आज दोस्तों आज की क्लास में आ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैंने क्या किया है आपके लिए कुछ बहुत अलग हटके क्वेश्चंस जो पिछले सालों के पेपर्स में आए हुए हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी सब्जेक्ट या सब्जेक्ट तो खैर कॉमन आई है लेकिन किसी सब्जेक्ट या किसी चैप्टर के दायरे में बंधे हुए नहीं ये वो क्वेश्चंस हैं जो कॉमन आईक्यू, जनरल आईक्यू से संबंधित होते हैं बेसिक न्यूमरेसी बेसिक मैथमेटिक्स सामान्य ज्ञान बेसिक तर्क शक्ति रीजनिंग आईक्यू, पावर उस सब से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं तो इन क्वेश्चंस को कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है बहुत ईजी क्वेश्चन है आई में ऐसे आते हैं तो ये तो बहुत ईजी है और ये जो आज आप क्वेश्चन सीखेंगे ये सिर्फ आई के लिए ही कन्फाइंड नहीं है ये क्वेश्चन आपके और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे आप वो कोई भी कॉम्पिटिशन दें जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है उन सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए ये क्वेश्चन आप जब आज मेरे साथ करेंगे तो पाएंगे कि इनमें कई क्वेश्चन तो मैं चाहूंगा मेरे साथ साथ आप करें मैं जब क्वेश्चन करता जाऊं कॉपी पेन रेडी रखें दिमाग खुला रखें आंसर मेरे से पहले आए तो कमेंट करें तुरंत और क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे एक एक क्वेश्चन करके मैं आज आपको कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस में कुछ चीजें सिखाऊंगा आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कुछ बेसिक चीज बताऊंगा चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इन क्वेश्चन से आप ये भी सीखेंगे कि लैंग्वेज पर ध्यान कितना देना हमको एग्जाम में आपका पहला क्वेश्चन आज का जो है बोर्ड पर है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस मैंने लिख दिया है इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर ऑफ द इंग्लिश एल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग बी इज रिटन इन लोअर केस अब देखिए बी से आगे बी समेत मतलब बी से शुरू करते हुए स्टार्टिंग फ्रॉम बी हर एक ऑल्टरनेटिव लेटर ऑल्टरनेटिव मतलब एक छोड़ के अगला ऑल्टरनेटिव लेटर को आप स्मॉल केस में लोअर केस मतलब छोटे वर्णमाला में और बाकी के कैपिटलाइज करके लिखेंगे तो हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर रिटर्न फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकंड हाफ मतलब जुलाई भाई बारह महीनों का साल होता है फर्स्ट हाफ छह महीनों का हो गया जनवरी टू मई एंड जनवरी टू जून एंड सेकेंड हाफ जुलाई टू डिसंबर सेवेंथ मंथ से ट्वेल्थ मंथ तक तो जुलाई को कैसे लिखेंगे वो आपके सामने है अब दोस्तों यहां एक बात समझनी है कि बी से शुरू करते हुए हर एक ऑल्टरनेटिव लेटर को स्मॉल केस में लिखना है इसका मतलब ऑल्टरनेटिव यानी एक छोड़ के अगला

दो चार छ आठ दस इवन प्लेसेस सम संख्याओं वाले स्थान सो इवन प्लेसेस के जितने भी अक्षर होंगे वो सब छोटी वर्णमाला में एंड सी ई फिर जी जितने भी ऑड प्लेसेस हैं विषम संख्या स्थान जितने भी अक्षर हैं वो सब बड़ी वर्णमाला अब दिमाग में फिट हो गया अब एक एक करके पूरी अल्फाबेट नहीं लिखनी ये चीज हमको एग्जाम में सीखनी है हमको क्वेश्चन की थीम पकड़नी है उसकी नब्स को पकड़ना है कि वो क्या कह रहा है जैसे उसने कहा बी से शुरू करते हुए छोटी वर्णमाला और हर एक 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 को छोड़ के छोटी वर्णमाला और बाकी बड़ी वर्णमाला तो बी दो नंबर पे दो नंबर अगर छोटी में होगा तो चार नंबर छोटी में होगा छह नंबर छोटी में होगा सारे इवन नंबर छोटी में सारे ऑड नंबर बड़ी में अब जरा देखिएगा जुलाई में जे वाई इसमें से यह जे जो है दस नंबर का अक्षर है यू इक्कीस नंबर का अक्षर है एल बारह नंबर का अक्षर है वाई पच्चीस नंबर का अक्षर है इसका मतलब यह हुआ कि यह एक और एक दो ये दोनों इवन नंबर है सम संख्या स्थान है तो ये दोनों तो छोटी में रहेंगे यानी जे छोटा और एल छोटा लेकिन ये दोनों ऑड है ये और ये तो ये बड़ी में रहेंगे यू बड़ा और वाई बड़ा जे यू एल वाई जे और एल छोटा यू और वाई बड़ा ये ढूंढ लीजिए कहां पर है जे और एल छोटा यू और वाई बड़ा ये जे छोटा एल छोटा यू और वाई बड़ा तो दोस्तों ये तरीका है जिससे इस तरह के क्वेश्चन को अब आप फटाफट कर सकते हैं तुरंत देखा सेकेंड फोर्थ सिक्स तो तुरंत जुलाई का पकड़ लिया Even, even वाले छोटे ले लिए छोटे और दोनों में है यू इन दोनों में बड़ा है तो इस तरह से आप करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू थ्री पीसेस अब सुनीता ने एक शीट ऑफ पेपर को तीन टुकड़ों में काटा और पहले टुकड़े की लंबाई अब देखिए तीन टुकड़ों में काटा है तो पहला टुकड़ा है मान लीजिए ए दूसरा टुकड़ा है बी और तीसरा टुकड़ा है सी उसने एक पेपर की शीट को तीन टुकड़ों में काटा लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ़ जो पहला पीस है वो मैं एक बार पहले इंग्लिश का आपके सामने रख देता हूँ फिर हिंदी का रखेंगे ताकि आप ये फ़ॉन्ट साइज में बड़ा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप आराम से देख पाएं लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द थ्री सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स पहले टुकड़े की लंबाई प्रथम तीन एक अंकीय विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स दोस्तों प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं सिंगल डिजिट अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो होती है दो तीन पांच और सात फोर प्राइम नंबर्स ऑफ सिंगल डिजिट टू थ्री फाइव सेवन अभाज्य संख्या चार होती हैं। है। इस इसमें से उसने ऑड बोली है तो ये तीनों ऑर्ड हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही नंबर होता है जो इवन नंबर होता है बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑर्ड होते हैं प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या है सिवाय दो के जो सबसे छोटी अभाज्य भी है और सम संख्या भी है इट इज इवन प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो प्राइम नंबर तो आपके सामने उसने कहा ए जो है वो पहली तीन विषम एक अंकीय विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है एवरेज ऑफ थ्री वन डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स तो इन तीनों का एवरेज लेंगे तीन और पांच आठ और सात पंद्रह पंद्रह डिवाइड बाई तीन पांच और अगर ध्यान से देखें तो गैप भी सेम है थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस टू सेवन अगर एवरेज तीन नंबर्स का देखते हैं और गैप सेम होता है तो ठीक बीच वाला नंबर एवरेज होता है तो ए आ गया हमारे पास फाइव ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है अब आते हैं सेकेंड नंबर पर वो बी के लिए क्या कहता है वो कहता है लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट प्लस वन थर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड तो जो सेकेंड पीस है उसकी जो लेंथ है वो पहले की लंबाई प्लस तीसरे की लंबाई का एक तिहाई अब तीसरे की लंबाई का एक तिहाई तो पहले की लंबाई प्लस तीसरे की एक तिहाई पहले लंबाई है पांच तीसरे की एक तिहाई और तीसरे के लिए उसने कहा वो उतना बड़ा है जितना पहले दो पीस है थर्ड पीसेज लगे अदर टू पीसेज टूगेदर अदर टू मतलब ए और बी तो सी जो है वो ए प्लस बी है ये सी की लंबाई है तो हम यहां पर सी की जगह ए प्लस बी लिख देंगे ए प्लस बी और ए पांच है हमको पता है तो यहां पर हम पांच लिख देंगे पांच प्लस बी और फिर ये तीन को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तीन इधर जाएगा तीन बी हो जाएगा तीन पांच से मल्टीप्लाई होगा तीन पंजे पंद्रह प्लस पांच प्लस बी पंद्रह और पांच बीस ये एक भी इधर आएगा तीन बी में से एक भी गया तो दो बी और पंद्रह और पांच बीस तो बी बराबर दस अब बी बराबर दस आ गया हमारे सामने वैल्यू आ चुकी है ए बराबर पांच है बी बराबर दस है और सी बराबर इन दोनों की लंबाई के बराबर है यानी पांच और दस पंद्रह तो तीनों का जोड़ हो गया पंद्रह और पांच बीस और दस तीस उसने कहा शीट पेपर की शीट कितनी लंबी है तो तीस यूनिट लंबी तो दोस्तों ये कई बार ऐसे क्वेश्चन हालांकि ये बहुत आसान होते हैं लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन में फटाफट जो उसने बोली बात उसमें आपको प्राइम नंबर्स के जैसे उसने कहा ऑड प्राइम नंबर्स तो ऑड प्राइम नंबर सिंगल डेड के तीन पांच सात होता है और उसका एवरेज बीच का नंबर हो गया पांच दूसरे के लिए उसने कहा पांच प्लस वन थर्ड तीसरा और तीसरे के लिए कह दिया कि दोनों का जोड़ चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर छ एक्स वाई जेड के ऐसे कितने ट्रिपलेट तिकड़ियां बना सकते हो आप तीन ऐसे तिकड़ियां जिनका जोड़ छ आ जाए एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर्स हैं

आप लोग जल्दी जल्दी बना के दिखाओ मुझे कितनी ट्रिपलेट बना सकते हो एक मैं आपके लिए बना देता हूं एक दो तीन एक प्लस दो प्लस तीन बराबर छ ये आपकी पहली ट्रिपलेट आपके लिए मैंने बना दी देखें आप और कितनी ट्रिपलेट बनाई जा सकती है चलिए एक मैंने बना दी आपके लिए जल्दी जल्दी बनाइए कितनी बना सकते हैं आप चार पाँच छः सात आठ ज्यादा कितनी मैं यहाँ एक बात बता दूं एक दो तीन है तो एक तीन दो भी हो सकता है एक तीन दो एक और ट्रिपलेट बन गई दो लिख दिया तो दो तीन एक दो एक तीन तीन लिख दिया तो तीन एक दो तीन दो एक लीजिए ट्रिपलेट तो मैं बना चुका हूं अब जरा ध्यान से देखिए ऑप्शन में नहीं है इसका मतलब हमारा आंसर छह से ज्यादा है और अभी और ट्रिपलेट बनेंगी और देखिएगा एक, एक चार छ एक चार एक छह एक एक छ सबका जोड़ छह आ रहा है और दो दो, दो तो दस ट्रिपलेट्स बन सकती हैं जिनका जोड़ छ हो ऐसी दस तिकड़ियां बनाई जा सकती है अब यह क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है जो आपके जनरल आईक्यू आपकी सामान्य बुद्धि और आपके कितना फास्ट आप सोच सकते हो उस पर निर्भर है तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं अब कई बच्चे तो ऐसी गलती करते हैं नेचुरल नंबर याद नहीं होते वो कह देते हैं सर एक जीरो और पांच देखो छ हो गया मैंने बोला दोस्त जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता उसने पहले ही कह दिया है ऐसी कितनी संख्या है जो नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर की बात करी दोस्त उसने तो यहां पर यह भी देखना है कि वो बोल क्या रहा है जल्दी बाजी में हम फटाक से जीरो लिख देते हैं जीरो इज इज अ होल नंबर इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर्स एक से शुरू होकर के इंफानेट तक जाते तो दोस्तों दस ट्रिपलेट्स आपके सामने हैं जो मैंने बनाई चलिए आगे बढ़ते हैं ये आपके सामने दस ट्रिपलेट्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अलग अलग मिक्स डेटा के क्वेश्चन आते हैं सेट थ्योरी पर क्वेश्चन होते हैं सेट थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है जो आपके टेंथ में एलिवेंथ की मैथ्स में सब में वेन डायग्राम्स ये सब उसमें आते थे लेकिन मैं उसकी मैथमेटिक्स पार्ट को न लेते हुए इसकी बेसिक कॉमन सेंस की पार्ट को लेता हूँ यूनियन इंटरसेक्शन वो सब मैं नहीं कराऊंगा मैं आपसे ये कहता हूँ कि उसने कहा एक ग्रुप है जिसमें पंद्रह लोग हैं तो ये एक ग्रुप हो गया 15 लोग हैं इसमें टोटल अब टोटल पंद्रह लोग हैं जिसमें से सात फ्रेंच पढ़ सकते हैं मान लीजिए फ्रेंच पढ़ने वालों का यह गोला है जो फ्रेंच पढ़ सकता है और आठ इंग्लिश पढ़ सकते हैं मान लीजिए इंग्लिश पढ़ने वालों का यह गोला है और तीन ना तो फ्रेंच और ना इंग्लिश दोनों में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते अब एक बात बताइए इस पूरे में पंद्रह आने चाहिए उस पंद्रह में से तीन ऐसे हैं जो ना फ्रेंच पढ़ते हैं ना इंग्लिश पढ़ते हैं अगर फ्रेंच भी नहीं पढ़ते इंग्लिश भी नहीं पढ़ते तो वो तीन के जो बात करेंगे हम वो तीन इन दोनों गोलों से बाहर बैठे अब इन दोनों गोलों से बाहर तीन आ चुके हैं मेरे पास कुल पंद्रह लोग हैं बच गए बारह इसका मतलब फ्रेंच प्लस इंग्लिश मिला करके अब मेरे पास बारह होने चाहिए अब फ्रेंच प्लस इंग्लिश मिला करके बारह होने चाहिए तो इन बारह लोगों में उसने कहा है कि आठ इंग्लिश पढ़ते हैं और सात फ्रेंच पढ़ते हैं आठ और सात तो पंद्रह हो गए और मेरे पास तो बारह ही है टोटल ये तीन एक्स्ट्रा कहां से आ गए इसका मतलब ये तीन वो हैं जो दोनों की गिनती में आ रहे हैं दोनों के कॉमन हैं यानी तीन इन दोनों का कॉमन हिस्सा है तो तीन वो लोग हैं जो फ्रेंच भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं क्यों क्योंकि जब मैंने देखा कि पंद्रह में से तीन तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे बच गए बारह अब फ्रेंच और इंग्लिश मिलकर के बारह पढ़ने चाहिए लेकिन यहां तो सात और आठ पंद्रह हो रहे हैं इसका मतलब बारह होने चाहिए आ रहे हैं पंद्रह मतलब तीन डबल गिनती में आ रहे हैं और डबल गिनती में आ रहे हैं तो ये डबल वाले इलाके में कॉमन इलाके में इंटरसेक्टिंग एरिया में होने चाहिए अब दोस्तों ये बताओ फ्रेंच पढ़ने वाले कितने लोग थे फ्रेंच पढ़ने वाले लोग थे सात सात में से तीन तो इस गोले में आ चुके बचे कितने चार ये चार इंग्लिश पढ़ने वाले कितने लोग थे आठ आठ में से तीन तो इंग्लिश के गोले में भी हैं बचे कितने पांच जोड़ लगा लो भाई पंद्रह हो गया क्या चार और तीन सात और पांच बारह और तीन पंद्रह टोटल पंद्रह लोगों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने है अब जो मर्जी पूछ लो पोस्टमार्टम हो गया पूरे क्वेश्चन का उसने कहा नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज ऐसे कितने लोग हैं जो केवल कितने व्यक्ति यथार्थ है एक भाषा पढ़ सकते हैं यथार्थ एक भाषा मतलब एग्जैक्टली वन लैंग्वेज एग्जैक्टली वन लैंग्वेज का मतलब होता है एक से ज्यादा न पढ़ पाए तो एक से ज्यादा नहीं पढ़े सिर्फ एक पढ़े तो चार ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहे हैं पांच ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं एक ही लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो चार और पांच नौ ऐसे, तो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ते हैं या तो फ्रेंच पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं तो नौ ऐसे लोग हैं जो या तो फ्रेंच पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब मैं आपसे पूछता ऐसे कितने लोग हैं जो फ्रेंच फ्रेंच नहीं नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते तो यानी चार और तीन सात तो फ्रेंच पढ़ रहे फ्रेंच नहीं पढ़ते बताइए आंसर क्या जल्दी से मैं पक्के बात बोलता हूं गारंटी से बोलता हूं नाइनटी परसेंट लोग पांच बोलेंगे इसका आंसर आप लोगों ने भी पांच ही सोचा होगा कितने लोग हैं जो फ्रेंच नहीं पढ़ते पांच नहीं है आठ है क्योंकि तीन ऐसे हैं जो न फ्रेंच पढ़ते हैं न इंग्लिश पढ़ते हैं एग्जाम अंदर फंसाएगा आपको इस तरह से वो कहेगा कितने लोग हैं जो फ्रेंच नहीं पढ़ते तो सात फ्रेंच पढ़ रहे हैं पांच फ्रेंच नहीं पढ़ रहे लेकिन तीन भी नहीं पढ़ रहे तो आंसर आठ है कितने लोग हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ते तो आंसर है सात तो दोस्तों इस तरह से एक बार वेन डायग्राम बन गया एक बार आपने पोस्टमार्टम कर दिया क्वेश्चन का उसके डेटा का तो बहुत इजी हो गया और अब आप सॉल्व कर सकते हैं ये इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों हर एग्जाम में आने लग गए क्या वो आईएसओ क्या वो आर एस क्या वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो जे आर एफ का चाहे वो प्री पी एच डी के एग्जाम हो चाहे वो पटवार का एग्जाम हो पुलिस का एग्जाम हो चाहे रीट का एग्जाम हो रीट में तो खैर मैथ्स जो है वो ज़्यादातर सब्जेक्टिव ज़्यादा आती है रीट के भी मेरे क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी तो उसमें भी आप रीट की मैथ्स का फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल दोनों में आपके मैथ्स की क्लासेज में लूँगा रीट फर्स्ट लेवल में तो खैर आपके फर्स्ट पेपर में है मैथ्स और सेकेंड लेवल में साइंस मैथ्स वालों को भी रीट का मैथ्स का यहाँ पर क्लासेस चलेंगी लेकिन जिन जिन एग्जाम्स में मैथ्स रीजनिंग आती है उनमें सब में ये टॉपिक आता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज एक बताना चाहता हूं जरा क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है 1 and द 3089 ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विद एंड does थ्री book have दुक है किसी पुस्तक के पृष्ठों पर एक से आरंभ करके पृष्ठ संख्या जाता है और कुल थ्री जीरो अंकों का प्रयोग करता है दोस्तों अंक और संख्या ये दो अलग अलग चीजें हैं पहले आप इनको इस बात को समझ लीजिए एक होता है अंक डिजिट और एक होती है संख्या नंबर क्या फर्क है इन दोनों चीजों में मैंने एक बोर्ड पर चीज लिखी बत्तीस थर्टी टू इज इट नंबर और इज इट अ डिजिट इट इज अ नंबर ये एक संख्या है जो कितने अंकों से बनी है दो अंकों से थ्री एंड टू इट इज अ टू डिजिट नंबर अंक की बात करें तो कुल कितने अंक होते हैं मैथ्स में अगर आप पूछता कुल नंबर कितने होते हैं संख्याएं कितनी होती है मैथ्स में आप बोलोगे सर अनंत इनफाइनिट और अंक कितने होते दस जीरो से नौ तक दैट इज वाई आर सिस्टम नंबर सिस्टम इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम दस शमलव संख्या पद्धति दश देखिए नाम में छुपा है दस शमलव दश दस, दस अंकों के आधार वाली संख्या पद्धति नंबर सिस्टम विद बेस ऑफ टेन डिजिट्स इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम डेसी इज अ लैटिन वर्ड विच इज मीन टेन तो दस शमलव संख्या पद्धति इसीलिए बोलते हैं तो अंक कुल दस होते हैं और इन दस अंकों से बनती है संख्या पद्धति जो हम यूज करते हैं बचपन से लेकर आज तक अब इसमें एक अंकीय संख्या दो अंकीय संख्या तीन अंकीय संख्या वन डिजिट नंबर इज फ्रॉम वन टू नाइन वन से शुरू करेंगे नेचुरल नंबर में जीरो से नहीं वन से नाइन कितने डिजिट हुए नो no. फिर टू डिजिट नंबर शुरू कहां से होगा टेन से तो वन से नाइन तक सिंगल डिजिट नंबर जो है वो हुए कुल डिजिट कितने नौ तो अगर मैं बात करूं कि एक से लेकर नौ तक सिंगल डिजिट कितने नंबर हैं तो नौ डिजिट्स हैं अगर मैं कहूं मैं टोटल डिजिट्स की बात कर रहा हूं कुल अंकों की संख्या की बात कर रहा हूं कुल डिजिट्स कितने होते हैं वो देखते हैं कुल अंक तो एक से नौ तक की बात करें अगर तो कुल अंक होते हैं नौ अगर मैं बात करूं दस से लेकर के निन्यानवे तक ये सारे टू डिजिट नंबर्स हैं दो अंकीय संख्या है दो अंकीय संख्या दस से निन्यानवे तक कितनी संख्याएं हो गई ये संख्याएं हो गई नब्बे और हरेक संख्या दो अंकों वाली है तो ये टोटल डिजिट्स हो गए 180 और तीन डिजिट वाले होते हैं 100 से लेकर 999 तक और ये हो गए तीन डिजिट वाले 900 नंबर नंबर हरेक नंबर तीन डिजिट का है तो कुल अंक हो गए सत्ताईस तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं आज आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है कई जगह आपके बेसिक चीज है पर हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया 999 तक की गिनती में कुल डिजिट्स टोटल अंक इन सब का जोड़ लगाइए 2889. ये दोस्तों आपके बड़े काम का नंबर है 999 तक की गिनती के कुल अंक टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंटिंग अप टू 999 नाइन नाइन इज टू एट एट नाइन डिजिट्स अब उसने कितने डिजिट यूज किए उसने तो थ्री ज़ीरोट नाइन डिजिट्स यूज़ किए इसका मतलब उसने थ्री ज़ीरो एट नाइन में से टू ज़ीरो टू एट एट नाइन कम कर दूं तो दो सौ डिजिट्स अभी भी बचते इसका मतलब उसकी जो किताब है जिसमें वो नंबरिंग कर रहा है एक दो तीन चार पृष्ठ संख्या डाल रहा है ये तो पक्का है निश्चित है कि वो पुस्तक वो किताब 999 पेज से तो ज्यादा की है क्योंकि 999 पेज तक अगर कोई आदमी नंबर्स लिखेगा तो टोटल डिजिट जो वो यूज करेगा वो 999 तक 2889 डिजिट्स ही यूज करेगा और उसने यूज किए 3089 डिजिट्स दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप ये पिछले अगर कुछ सालों के पेपर के देखेंगे तो आई में आर में असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में नेट के एग्जाम्स में पुलिस के एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में आपको इस वाले टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत मिलेगा नंबर सिस्टम का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर नंबर सिस्टम शब्द तो बहुत बड़ा है और ये बेसिक बिल्कुल नॉर्मल कॉमन सेंस पर है तो दो अंक और अभी उसको लिखने बाकी हैं और दोस्तों नौ सौ निन्यानवे से आगे की गिनती जब शुरू करोगे तो अगली गिनती है हजार और हजार में कितने डिजिट्स हैं चार इसका मतलब एक हजार एक हजार एक एक हजार दो एक हजार तीन हर एक नंबर अब चार अंक और खाएगा इसका मतलब दो सौ अंकों की बात करें तो दो सौ अंक को नंबर्स में बाटेंगे तो चार से डिवाइड करेंगे तो फिफ्टी पचास नंबर और लिखेंगे यानी 1049 नंबर्स लिखने पड़ेंगे अगर उसे थ्री जीरो एट नाइन डिजिट्स यूज़ करने हैं तो वन ज़ीरो फोर नाइन डिजिट्स वन जीरो फोर नाइन नंबर्स लिखने पड़ेंगे या आपको एक बात बता दूँ अगर कोई मेरा वीडियो देखने वाले कोई स्टूडेंट्स में ऐसे भी हैं जो एन डी ए का एग्ज़ाम देने चाहते हैं सी डी एस का देना चाहते हैं तो आपको बता दूँ कि इन एग्ज़ाम्स में वैसे तो मैथमेटिक्स का लेवल बहुत हाई आता है लेकिन यू पी एस सी ही कंडक्ट करती है एन डी ए और सी डी एस को और याद रखिएगा यू पी एस सी ही आई एस का पेपर भी बनाती है और एन के एग्जाम में या सी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे आई के एग्जाम में आर के एग्जाम में अभी पिछले से पिछले साल असिस्टेंट कमांडेंट का, का एग्जाम हुआ था उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन आया था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमको सिर्फ एक चीज़ समझनी है दोस्तों आज इस क्वेश्चन से एक चीज़ एक बात गांठ बांध लो नौ तक की गिनती तो खैर काम में नहीं आती लेकिन हमने एक चीज़ देखी थी नौ तक की गिनती में नौ अंक लेकिन निन्यानवे तक की गिनती में कुल अंकों की बात करें तो निन्यानवे तक की गिनती में कुल अंक की अगर बात करें तो एक सौ निवासी वन एटी नाइन डिजिट होते हैं ये कुछ छोटी छोटी चीजें दिमाग में आप पहले अगर आपके फिट होंगी तो आप बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन मैं आपसे जब भी गिनती की बात करूंगा जब भी टोटल डिजिट्स की बात करूंगा आपके दिमाग में एक चीज आएगी निन्यानवे तक की गिनती के टोटल डिजिट्स डिजिटन होते हैं मुझे पता है और नौ सौ निन्यानवे तक की गिनती के टोटल डिजिट्स होते हैं टू एट एट नाइन तो ये दो चीजें हमने याद रख ली अब एग्जामिनर ने एग्जाम सेन एट नाइन से जा पढ़ा कोई नंबर दिख गया कि भैया निन्यानवे से बड़ी गिनती है और टू एट एट नाइन से पढ़ा कोई नंबर दिख गया तो भैया नौ सौ निन्यानवे से बड़ी किताब है नौ सौ निन्यानवे से ज्यादा बड़ी गिनती है अब कितनी बड़ी गिनती है वो देखना है तो उसके लिए फिर टू एट एट नाइन जितने तीन हज़ार नवासी अंक यूज़ किए उसमें से टू एट एट नाइन माइनस कर दिए दो सौ अंक बच गए दो सौ अंक में नौ सौ निन्यानवे से आगे की गिनती हज़ार की है चार अंक के हिसाब से दो सौ को डिवाइड कर दिया पचास पेज और हो गए तो ए वन जीरो फोर नाइन किताब की पुस्तक की पृष्ठ संख्या आ गई तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन मैं तो शायद कम से कम आठ दस बार देख चुका आई ए एस के एग्जाम में आर एस में ना जाने कितने एग्जाम्स में चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा आने वाले समय में इस तरह के क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस कराऊंगा आज मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस चला के लाया हूं जिनमें मैं कोई इस तरह का टॉपिक शुरू करने से पहले ये बेसिक जो टॉपिक या चैप्टर के दायरे या सीमा से बंधे हुए नहीं होती ऐसी चीजें बेसिक कॉमन सेंस की चीजें जो कुछ कुछ तो आपको बहुत इजी लग रही होंगी पर मुझे मजा तब आएगा जब मैं क्वेश्चन जैसी बोर्ड पे लिखूं मेरे साथ साथ आप लोग मेरे से पहले पेन चला दो और क्वेश्चन करना शुरू करो और देखें मेरे से पहले कितने लोग आंसर देते हैं मैं आपके कमेंट्स को देखता जाऊंगा और मेरे से पहले जिन जिन के आंसर आते जाएंगे शाबाश है उनको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक कॉन्फ्रेंस है साहब और इस कॉन्फ्रेंस में आउट ऑफ अ टोटल ऑफ हंड्रेड पार्टिसिपेंट्स ये जरा ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन अलग हट के क्वेश्चन है मैं कल की आपकी क्लास में आपसे एक बड़ी अच्छी बात कर रहा था कि रीजनिंग दो तरह की होती है एक मैथमेटिकल रीजनिंग होती है एक लॉजिकल रीजनिंग होती है तो ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है इसमें लॉजिक लगेगा जरा देखिएगा एक कॉन्फ्रेंस में टोटल सौ पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया दिमाग लगाइएगा जरा देखते हैं कौन पहले दिमाग लगा के सही जवाब देता है उसमें से सत्तर इंडियंस हैं सौ में से इसका मतलब क्या हुआ पहली लाइन से एक बात पता चल गई तीस लोग नॉन इंडियन है साठ टोटल पार्टिसिपेंट्स के साठ लोग वेजिटेरियन है वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी अगर साठ लोग शाकाहारी हैं अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह बताना आपको बस दो लाइन लिखी है आपके पास आपके पास सौ पार्टिसिपेंट है सत्तर इंडियन है और साठ शाकाहारी है वेजिटेरियन है अब कौन सी बात सत्य है वो आपको बतानी है चलिए देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं मैं शुरू करने से पहले एक बात पूछना चाहूंगा अगर 100 पार्टिसिपेंट में 70 इंडियन है तो इस बात से क्या क्या चीजें क्लियर होती हैं? पहले वो देख लेते हैं अगर 70 इंडियन है तो 30 नॉन इंडियन हैं, भारतीय नहीं हैं। पहली बात दूसरी बात साठ लड़के सा, लड़के क्यों बोल रहा हूं स्टूडेंट लड़के बोलने की आदतर उन्होंने चालीस ये बात भी पता चल गई चालीस नॉन वेजिटेरियन है क्योंकि मैक्सिमम साठ ही है उसमें से सौ में से साठ वेजिटेरियन है तो चालीस नॉन वेजिटेरियन हो गए अब मेरे सवाल का जवाब देना इंडियन कितने कितने इंडियन सत्तर अगर इंडियन सत्तर है और शाकाहारी साठ है साठ के साठ इंडियन हो तो सत्तर में से साठ शाकाहारी हो गए तो दस बचे इसका मतलब दस इंडियन नॉन वेजिटेरियन है ही है कम से कम एटलीस्ट दस इंडियन वेजिटेरियन है एक बात क्लियर हो गई नॉन वेजिटेरियन है इस लाइन से एक बात पता चली नॉन इंडियन है पक्का पता चल गया चालीस नॉन वेजिटेरियन है पक्का पता चल गया कम से कम दस इंडियन नॉन वेज है यह पता चल गया अब टोटल नॉनवेज कितने चालीस ये सारे नॉन वेजिटेरियन इंडियन हो तो इंडियन सत्तर है टोटल मेरे पास बचे कितने तीस इसका मतलब कम से कम तीस लोग कम से कम तीस लोग तीस इंडियंस कम से कम 30 Indians, क्या हैं चालीस नॉन वेजिटेरियन है तो तीस कितने हैं कौन है वेजिटेरियन है अब इन चार बातों का खुलासा हो गया इन दो लाइनों से देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट पूछ रहा है वो चलिए देखते हैं. वो कहता है एटलीस्ट थर्टी इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन लीजिए कम से कम तीस इंडियन पार्टिसिपेंट्स वेजिटेरियन हैं इंडियंस वेजिटेरियन हमने अभी अभी यही लिखा था तीस इंडियंस वेजिटेरियन पहली लाइन तो सही है इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है कम से कम तीस इंडियंस वेजिटेरियन है क्यों क्योंकि तीस इंडियन वेजिटेरियन होने की वजह मेरे पास नॉन वेजिटेरियन लोग चालीस हैं अगर वो चालीस के चालीस भी इंडियन हो तो भी इंडियन सत्तर है चालीस में से नॉन वेज हो गए तो तीस तो वेजिटेरियन है ही है मतलब तीस तो इंडियन वेजिटेरियंस होने बहुत जरूरी हो गए ये तो एटलीस्ट हो ही होंगे ही होंगे और दूसरी बात एटलीस्ट टेन इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन कम से कम दस इंडियन नॉन वेजिटेरियन है लीजिए ये दूसरी बात भी हमारी सही साबित हो गई इसका मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है बोथ वन एंड टू आर करेक्ट इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट्स का दिमाग घूम जाता है ज्यादातर स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं ये वो एरिया है जहां सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है सबसे ज्यादा रिस्की एरिया यही है क्योंकि इसमें आपके दिमाग का राइट एंड साइड यानी लॉजिकल पार्ट यूज होता है आपके लॉजिकल पार्ट की इसमें क्या लैंग्वेज है क्या सुन रहे हैं आप भाषा से क्या समझ रहे हैं उस भाषा से क्या अर्थ निकल रहा है यह चीज अब इससे आपको पता चलेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं आपके सामने एक बार क्वेश्चन वापस रख रहा हूं आप देख लीजिएगा उसने कहा मैं अब हिंदी में क्वेश्चन आपके आगे रख रहा हूं किसी सम्मेलन में कुल सौ प्रतिभागियों में से सत्तर प्रतिभागी भारतीय हैं अगर सौ में से सत्तर भारतीय हैं तो तीस ए भारतीय हैं कुल में से साठ शाकाहारी हैं अगर कुल में साठ टोटल साठ शाकाहारी है मेरे इंडियन नॉन इंडिया सब मिला के टोटल शाकाहारी साठ ही है सौ में से अगर सौ में से साठ शाकाहारी हैं तो बाकी चालीस कौन है मांसाहारी और मेरे पास भारतीय सत्तर हैं सत्तर में से साठ तो शाकाहारी अगर पूरे भी साठ शाकाहारी हों तो भी दस तो मांसाहारी होंगे ही होंगे इसका मतलब कम से कम दस भारतीय मांसाहारी तो होंगे ही होंगे ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट और फिर दूसरी बात अगर साठ शाकाहारी हैं तो चालीस मांसाहारी हो गए चालीस के चालीस भारतीय हो तो भारतीय सत्तर हैं सत्तर में से चालीस गए तीस कम से कम तीस भारतीय शाकाहारी तो होंगे ही होंगे तो दोस्तों यह था आपका लॉजिकल पार्ट लॉजिकल क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस को अब मैं आपकी और प्रैक्टिस कराऊंगा आपको मजा भी आएगा बहुत इस तरह के क्वेश्चंस को करने में और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपका थोड़ा सा आईक्यू भी बढ़ता है दिमाग की ओवरऑलिंग होती है और कई बार ऐसा होता है कि अरे यार इतनी छोटी सी चीज़ समझ नहीं आई ऐसा भी हम लोग बोलते हैं कि जरा जरा सी चीज़ हमारे से रह जाती है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लिफ्ट है उसकी कैपेसिटी 18 एडल्ट की है या तीस बच्चे उस लिफ्ट में या तो अठारह एडल्ट बैठा लो और या तीस बच्चे बैठा लो मतलब कैपेसिटी है उसकी इससे क्या पता चला इससे पता चला कि 18 जो एडल्ट वो तीस बच्चों के बराबर है ये पता चला 18 एडल्ट का वजन और 30 बच्चों का वजन समान है या वॉल्यूम समान है तो अठारह एडल्ट को उस लिफ्ट में या तो खड़े कर लो या तीस चिल्ड्रन खड़े कर लो इससे क्या पता चला इससे पता चला कि एक एडल्ट बराबर बटा छिया अट्ठारह छह पंजे तीस फाइव अपॉन थ्री पांच बटा तीन बच्चों के बराबर है अब उसने कहा कितने चिल्ड्रन और एक लिफ्ट में मैं खड़े करूं अगर उसमें पहले से बारह एडल्ट हैं पहले से बारह एडल्ट उस लिफ्ट में ऑलरेडी हैं मौजूद हैं अगर पहले से बारह एडल्ट उसमें मौजूद हैं और मुझे ये क्या हो गया देखना ज़रा अगर पहले से उसमें बारह एडल्ट मौजूद हैं और मुझे छह एडल्ट और मैं खड़े कर सकता हूं तो वो कहता है कितने बच्चों को और आप खड़े कर सकते हो यानी मुझे खड़े करने खड़े कर सकता हूं और एक एडल्ट पांच बटा तीन फाइव अपॉन थ्री बच्चों के बराबर है तो फाइव अपॉन थ्री से इसको डिवाइड कर दिया तीन दोनों छ दो पंजे दस दस बच्चे और मैं इसमें खड़े कर सकता हूं और हमारा आंसर आ गया यहां मैं एक बात जवारी करके दिखाता हूं एक चीज बड़ी मजेदार आपको ये पूरी सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी जरा देखिएगा अट्ठारह एडल्ट हैं बारह आ चुके बचे कितने छ अठारह में छः का भाग देना जरा तीन इसका मतलब एक तिहाई और तीन का मतलब क्या हो गया इसको तीन का भाग दिया तो इसको भी तीन का भाग दो अठारह में तीन डिवाइड किए तो इसमें भी तीन डिवाइड करो अठारह में तीन डिवाइड किए तो छह आ रहा है और तीस में तीन डिवाइड किए तो दस आ रहा है दस बच्चे या छह एडल्ट एक ही बात है एडल्ट या दस बच्चे तो ये जमाने भी कर सकते हो प्रैक्टिस से आएगा ये ये चीज आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी ऐसा नहीं होता कि आज भर्ती कल चक्रवर्ती ऐसा नहीं होता है धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो कई बार ऐसा भी ऐसा मोड़ भी आएगा प्रैक्टिस के बाद दो महीने बाद तीन महीने बाद चार महीने बाद समय लगेगा जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में बिना पेन के आप तुरंत कर लेंगे अठारह एडल्ट मेरे को बारह आ चुके हैं छह एडल्ट चाहिए छह जो है अठारह का एक तिहाई होता है तो तीस का एक तिहाई वन थर्ड टेन होता है तो बिना पेन के आप टेन भी कर सकते हैं वरना तब तक आप इस तरह से इसको सिस्टमैटिकली करेंगे थोड़ा सा पेन घिसेंगे सिस्टमेटिकली करेंगे फिर धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ेगी एक्यूरेसी बढ़ेगी और तब हम जबानी कर सकते हैं बिना पेन के चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आशा करता हूँ अब तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पहले तो आपको बता दूं इस निशान का मतलब क्या होता है ये जो निशान है लेस देन पेन लेस देन पेंसिल यानी पेन जो है वो पेंसिल से छोटा है तो पेन लेस देन पेंसिल का मतलब है पेन छोटा है पेंसिल बड़ी है इस तरह के जब भी तुलनात्मक क्वेश्चन आते हैं कंपैरेटिव क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको एक बड़ी सिंपल चीज बताता हूं एक नुमा सीढ़ी खड़ी करते हैं और उस नुमा सीढ़ी में हम बड़ा ऊपर छोटा नीचे लंबा ऊपर नाटा नीचे भारी ऊपर हल्का नीचे इस तरह से करते हैं अगर पेन पेंसिल से छोटा है तो पेंसिल ऊपर और पेन नीचे थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं आपके लिए पेन और पेंसिल पेन pen छोटा है पेंसिल से तो पेन नीचे छोटा नीचे बड़ा ऊपर पेंसिल छोटी है किताब से बुक से मतलब बुक पेंसिल से भी बड़ी है और ऊपर क्योंकि पेंसिल छोटी है ये बहुत आसान तरीका बच्चों से, से तरीका जिससे आप एक एक ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो पेंसिल छोटी है बुक से लेस देन लेस देन निशान जो होता है जिस तरफ ये बंद मुंह होता है वो छोटा होता है जिस तरफ वो खुला मुंह होता है ये बड़ा होता है दिस इज बिगर दिस इज स्मॉलर इधर वाला छोटा इधर वाला बड़ा ये लेस देन का मतलब है इधर वाला छोटा इधर वाला बड़ा ये ध्यान रखिएगा चलिए अब अगली बात बुक बड़ी है कैप से अब बुक बड़ी है कैब से मतलब कैब बुक से छोटी है बुक से नीचे आएगी कहां आएगी यहां आएगी यहां आएगी यहां आएगी कंफर्म नहीं है इसको कहते हैं अनसर्टेन अनसर्टेनिटी अनिश्चितता की स्थिति यह जरूर आती है एग्जाम में तो कैप यहां भी आ सकती है कैप यहां भी आ सकती है और कैप यहां भी आ सकती है कैप की स्थिति अनिश्चित है तीनों जगह लिख दो देखते हैं क्या पूछता है लॉजिकल क्वेश्चन है जरूर कंपेटिव कुछ ना कुछ पूछेगा नहीं होनी चाहिए अनसर्टेंटी नहीं होनी चाहिए पेन इज ग्रेटर देन कैप क्या पेन कैप से बड़ा है गारंटी नहीं है यहां बड़ा हो रहा है यहां छोटा हो रहा है तो कंफर्म नहीं है इसलिए रॉन्ग क्या पेन बुक से छोटा है पेन बुक से छोटा बिल्कुल है हंड्रेड परसेंट हर सूरत में पेन बुक से छोटा है यही आपका आंसर आ गया अच्छा आगे भी देख लेते पेंसिल और कैप बराबर है हो भी सकते हैं पेंसिल और कैप बराबर अनिश्चित है पता नहीं है और पेंसिल बड़ी है क्या कैप से हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती अनिश्चित है तो आंसर आ गया पेन बुक से छोटा है तो ये कंपेरिटिव क्वेश्चंस फिर वही लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आ गया कंपेरेटिव क्वेश्चन में आपको दो तीन तरह के कम्पेरिजन देंगे दो तीन तरह की चीज़ें देंगे तो आपको उसमें क्या है कि ये देखना है कि ये लैंग्वेज किस तरह की लैंग्वेज आ रही है और जो अनिश्चितता की लैंग्वेज है अनसर्टेटी है वो अनसर्टेनिटी को आप अलग से जमा दो उसको लिख दो जल्दीबाजी मत करो लैंग्वेज पर ध्यान दो मैंने आपको कल की लिए, क्लास में भी ये बात बताई थी कि लैंग्वेज में बहुत बड़ा रोल होता है चलिए आगे बढ़ते हैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे से पहले आप आंसर लिखें और कमेंट बॉक्स में आंसर डालें आंसर लिखें तुरंत क्वेश्चन जैसे ही बोर्ड पे आए मेरे से पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है यह क्वेश्चन एक सीरीज एक श्रृंखला है चार ओब्लिक बारह ओब्लिक पिचानवे कॉमा एक ओब्लिक एक ओब्लिक छियानवे कॉमा एवन अब ये ये मैं क्यों आपके सामने लाया ये वैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर है मैथ्स रीजनिंग का सीरीज श्रृंखला जो मैं आपको अलग से पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैथ्स में रीजनिंग में दोनों में आता है लेकिन इस चैप्टर से पहले इस क्वेश्चन की मुझे खासियत लगी इस क्वेश्चन में है तो इस सीरीज का क्वेश्चन लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो आपको चीज दिख रही है ये जो शकल दिख रही है ये खास शक्ल है क्या चीज ऐसे इस तरह से क्या चीज लिखते हैं हम डेट लिखते हैं तारीख लिखते हैं चार बारह पिचानवे मतलब चार दिसंबर उन्नीस सौ एक जनवरी उन्नीस सौ छियानवे जब भी तारीख आ जाए और तारीख की श्रृंखला है तुरंत सबसे पहला काम करना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखना है एक बात बता दूं यह क्वेश्चन आई में दो बार आ चुका है यह क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में आ चुका है यह क्वेश्चन एस में आ चुका है सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक बार नहीं एक से कई अधिक बार बहुत बार तो एग्जामर एग्जाम में जब बच्चा क्वेश्चन एग्जाम में एग्जाम दे रहा होता है तो एकदम से क्वेश्चन जब सामने आता है तो कई बार एकदम से थोड़ा सा प्रेशर पता नहीं चलता है क्या बला है तो चार बारह पिचानवे एक एक छियानवे उन्तीस एक छियानवे सब डेट्स हैं अब चार दिसंबर से एक जनवरी तक के बीच के गैप को देखिए कितने दिन निकल गए दिसंबर जो है वो इकतीस दिन का होता है और दिसंबर इकतीस दिन का है बच गए कितने चार तारीख निकल गई चार दिन निकल गए बच्चे सत्ताईस दिन सत्ताईस दिन ये और एक दिन ये कितने दिन हो गए अट्ठाईस दिन तो अट्ठाईस दिन ज्यादा इस तारीख से इस तारीख में अट्ठाईस दिन ज्यादा हो रहे हैं अब इस तारीख से इस तारीख में चलेंगे तो एक तारीख से उनतीस तारीख फिर अट्ठाईस दिन ज्यादा हो रहे हैं और इस तारीख से इस तारीख में चलेंगे तो जनवरी फिर वही 31 की है दो दिन इसकी और 26 इसके फिर 28 दिन ज़्यादा हो रहे हैं इसका मतलब 28-28 दिन का गैप आ रहा है तो हम इसमें भी 28 दिन जोड़ेंगे आप जरा गौर कीजिएगा इसमें जब आप 28 दिन जोड़ेंगे तारीख है 26 फरवरी उन्नीस और इसमें 28 दिन जोड़ने हैं मुझे फरवरी का महीना है अट्ठाईस की होती है वैसे फरवरी लेकिन ये उन्नीस जो है <coughs> ये लीप ईयर है उन्नीस सौ छियानवे ईयर है तो फरवरी अट्ठाईस नहीं उनतीस की होगी तो तीन दिन तो ये फरवरी के हो गए और पच्चीस दिन मार्च के हो गए तो पच्चीस मार्च उन्नीस छियानवे हमारा उत्तर होगा तो ये तरीका है जिससे आप आंसर लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर 25 मार्च उन्नीस जो कि ये रहा ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को फटाफट करने का हालांकि ये तो ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत प्रैक्टिस होती है इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त कि आप सीरीज़ को जब देखेंगे तो सीरीज़ देखते ही आप आंसर पकड़ पाएँ इसके कुछ तरीके होते हैं पर यह मैं स्पेशल क्वेश्चन इसलिए लाया क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन मैंने जैसा कि आपको बताया एक से बहुत ज़्यादा बार आ चुका काफ़ी बार आ चुका और दूसरा इसमें एक खास बात थी इसलिए थोड़ा सा इसको चर्चा करने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं वापस वही लॉजिकल क्वेश्चन आ गया दोस्तों फिर मैं चाहूंगा मेरे से पहले आप करके दिखाएं। एक स्कूल है उसमें पांच टीचर्स हैं ए बी सी डी और ई e। अब जरा देखिएगा स्कूल में पांच टीचर हैं ए बी सी डी और ई e। अब इन पांच टीचर्स में आंकड़े दे रहा है वो डेटा दे रहा है सबका ए एंड बी टीच हिंदी एंड इंग्लिश तो जो ए है वो हिंदी भी पढ़ाता है और इंग्लिश भी पढ़ाता है और बी भी हिंदी भी पढ़ाता है और इंग्लिश भी पढ़ाता है फिर वो कहता है मैं लिखता जा रहा हूं जो जो वो डेटा देता जा रहा है फिर वो कहता है सी एंड बी टीच इंग्लिश एंड जोग्राफी सी और बी ये दोनों क्या क्या पढ़ाते हैं

E and B teach history and French. E और B history और French दोनों पढ़ाते हैं तो B जो है वो history भी पढ़ाएगा और French भी पढ़ाएगा और ये E जो है वो history भी पढ़ाएगा और French भी पढ़ाएगा E और B दोनों लिख दिए अब वो कहता है Who teaches maximum number of सब्जेक्ट वो कौन है जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता है अनिल महदी रहता वही सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता है इस क्वेश्चन में बी पढ़ाता है तो आंसर है बी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन था ये मुझे लगता है कि आपने मेरे से ज़्यादा जल्दी कई बच्चों ने कर लिया होगा मैं अभी कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ मेरे से ज़्यादा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड चलिए अब इसी का ये हिंदी था मेरे ख्याल से मेरे को बार बार ये इशारा किया जा रहा है कि समय हो गया है तो दोस्तों आप लोगों को छोड़ के जाने का तो मन नहीं कर रहा लेकिन क्योंकि समय हो गया है समय की पाबंदी भी है और बाकी टीचर्स भी और क्लासेस के लिए भी समय शेड्यूल टाइट है आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से आज हमारे यहाँ लाइट नहीं आई थी इसलिए लाइट के प्रॉब्लम की वजह से आज आपकी क्लास थोड़ी सी डिलेड हो गई दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और इसके तुरंत बाद श्री मनोज लांबा जी की क्लास रहेगी यहाँ पर करंट और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की बहुत एक्सपीरियंस टीचर बहुत पुराने टीचर सीनियर टीचर हैं आप इनकी क्लास भी ज़रूर लीजिए आज के लिए इतना ही अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए खुश रहिए पढ़ाई कीजिए एन्जॉय भी कीजिए